कैमरे इधर एंगल किए गए थे तो मैं अच्छे से दिखा चुका हूँ। सभी दोस्तों को मेरे प्यार भर नमस्कार। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों बाजीराव मस्तानी के अंदर एक सॉन्ग है अलबेला सजन आयो रे, तो इस सॉन्ग की शूटिंग जब वो एंटर करते हैं विजय पाकर, तो वह एंटर जिस गेट से करते हैं जहाँ से फूलों की बारिश होती है, गुलाल फेंकते हैं, और तो ये सीन आपके सामोद पैलेस से लिया गया है। जो सामोद पैलेस है वो जयपुर के अंदर है चौमू के पास, तो ये सीन यहाँ से शूट किया गया था। तो मैं आपको प्रॉपर से इसकी लोकेशन दिखाऊंगा और स्क्रीनशॉट जो बनते हैं वो स्क्रीनशॉट आपको लगा कर दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट्स मुझे ज़रूर करना दोस्तों, और साइड में जो सब्सक्राइब लिखा है रेड अस्करों के अंदर उसे ज़रूर प्रेस कर लेना, और साइड में बेल आइकन है जिसको आप दबा दोगे उससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। जो भी मैं वीडियो करूँगा अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं उस सीन की तरफ और दिखाते हैं आपको एक और लोकेशन। तो दोस्तों आप बने रहना वीडियो में आखिर तक, और आप ऐसे ही प्यार मुझे देते रहना दोस्तों। आशा करता हूँ आप मेरे साथ ऐसे ही रहोगे और मुझे और इससे अच्छा भी ज़्यादा प्यार। दुल्हा जी बैठ चुके हैं घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर। तो दोस्तों जब बाजीराव मस्तानी में एक लास्ट सीन होता है, जब मतलब वो जीत के आते हैं विजय पाकर, तब एक सीन होता रहता है जब उसकी प्रजा उसका स्वागत करती है, तो वो लास्ट सीन सामोद पैलेस के अंदर ही शूट किया गया था। ये सामोद पैलेस है मेरे पीछे की तरफ, तो यहीं पे वो सीन शूट किया गया था। तो ये वो गेट है, प्रॉपरली गेट दिखा देते हैं। ये वो गेट है, इधर को प्रजा खड़ी हुई होती है और ये गेट के ऊपर खड़े हुए होते हैं। तो आप स्क्रीन शॉट में अच्छे से मिला भी लेना, मैं स्क्रीन शॉट डाल दूँगा पूरा, प्रॉपरली स्क्रीन शॉट मैच करा लेना। ये वो गेट है मेरे जो पीछे है, इस गेट पे वो खड़े हुए होते हैं और इस गेट से वो एंट्री लेता है राजा, और सब यहाँ पर जाऊँ पर इसके ऊपर पब्लिक खड़ी हुई होती है जो उनके स्वागत के लिए, तो प्रॉपरली इसी गेट से फूलों की बरसात करते रहते हैं। और उन्होंने का कैमरा का जो सेटअप था वो इस जगह एक एंगल किया गया था, इस जगह पर एक कैमरा इस जगह सेट था और एक प्रॉपरली इस जगह पर, तो दो कैमरे सेटअप किए गए थे। और प्रॉपरली ये गेट है वो, और इसी गेट से वो फूलों की बारिश करते रहते हैं जब राजा जीत के आते हैं। तो यही वो गेट है, गेट का मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, अच्छे से मैच करा लेना। तो ये वो दोस्तों गेट है, और मैं अच्छे से इसको दिखा देता हूँ। एक बार मैं आपको इसका नज़ारा दिखा देता हूँ चारों तरफ से। ये सामोद पैलेस का एंटर गेट है, देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे बाजीराव मस्तानी का एक गाना शूट हुआ था अलबेला सजन आयो रे, तो अब आपको दिखाते हैं उसके स्क्रीनशॉट लगाकर। तो चलते हैं लोकेशन की तरफ। तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट ऐसा है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट मैच करा सकते हैं गंडा थोर ये, और ये सामने का गेट जब वो बाजीराव जी आते हैं घोड़े पे बैठकर, तो ये सीन। और जो शाम साइड का जो डंडा है इस पे पब्लिक खड़ी हुई होती है और ऊपर से वो बरसाते रहते हैं गुलाल, तो ये सीन भी आपको इसी का मिलेगा। तो आप स्क्रीनशॉट मैच करा सकते हो। और अगला शॉट इस प्रकार है, सामने के जो साइड के ये जटा दिख रही हैं आपको बड़ की, ये मिल जाएंगी और ये गेट मिल जाएगा और ये साइड का ये सीन। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके सामने जो वीडियो था वो दिखाया, आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अलबेला सजन घर आयो रे बाजीराव मस्ताने के अंदर ये गाना है, उसी का गाने की शूटिंग अपने सामोद पैलेस का जो मेन गेट है उस पर हुई थी, जो फूलों की बारिश करते हैं। और वो जो साइड का नज़ारा था वो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट मैच करा लिया होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। साइड में जो लाल अस्करों में सब्सक्राइब लिखा है उस पर आंगली प्रेस ज़रूर करना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना जिससे आपको वीडियो जब मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, फिर आपको एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर।